नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया मेहरोत्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। और आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सोनी के 24 इंच एलईडी टीवी का, जिसका मॉडल है P41D। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आइए इसकी अनबॉक्सिंग करने से पहले कुछ इसके फीचर्स को देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका मॉडल है KLV24P413D और स्क्रीन साइज है 59.9 सेंटीमीटर विच इज 24 इंच और इसकी MRP है 16,900 रुपीज। ये कुछ मैन्युफैक्चरर डिटेल दिए गए हैं, क्लियर रिजोल्यूशन एनहांसर। तो चलिए दोस्तों, अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आज मेरी मदद मिस्टर रंजन करने वाले हैं इसके अनबॉक्सिंग में। और ये स्टैंड है एलईडी टीवी का, ये रिमोट, इसकी वारंटी कार्ड एंड पावर कार्ड। ये इसका पावर एडाप्टर। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस टीवी की अनबॉक्सिंग हो चुकी है। ये एलईडी यूनिट है, ये रिमोट, ये पावर एडाप्टर है, ये कॉर्ड, पावर कॉर्ड, वारंटी पेपर, यूजर मैनुअल एंड दिस इज टीवी स्टैंड। और चलिए मैं क्विकली आपको दिखाता हूँ इस टीवी स्टैंड को इसके साथ फिक्स करके। ये आप देख सकते हैं, एक इसका टीवी स्टैंड है और इसके साथ ये स्क्रू मिला है, इसके साथ फिक्स रहता है स्क्रू यहाँ पे। मैं इसे परमानेंट फिक्स नहीं करूँगा स्क्रू के थ्रू, जस्ट आपको दिखाता हूँ कि कैसे फिक्स होता है, जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए। ये कुछ इस तरह से इसके साथ फिक्स हो जाएगा और आप लोग जब इसे परचेज करें तो आप इसके स्क्रू के थ्रू आप उसको टाइट कर सकते हैं। ये इसका मॉडल है P41D सीरीज, मेड फॉर इंडिया, एक क्लियर रिजोल्यूशन इन्हांसर है, एक्स प्रोटेक्शन प्रो, सुपर मल्टी फॉर्मेट प्ले, मल्टी इंडियन लैंग्वेज, बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करती है एलईडी टीवी। और इसके अंदर रेडियो भी, FM रेडियो, ब्रेविया 1-star एलईडी टीवी जो कि 1 ईयर में 46 यूनिट कंज्यूम करेगी। फ्रेंड्स, मैं बैक साइड व्यू को दिखाता हूँ और इसके सारे सॉकेट्स को 1 by 1 आपको बताता हूँ। इसकी डिटेल सोनी एलईडी टीवी की, और ये वॉल माउंट का स्पेस दिया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं H4 जो होल्स हैं वो बेसिकली वॉल माउंट के लिए हैं। जब टीवी वॉल माउंट होगी तो ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, वॉल माउंट यूनिट जो कि कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये USB सॉकेट एंड 2 HDMI सॉकेट यहाँ पे साइड में, और यहाँ पे ऑडियो आउट आप इस पिन के थ्रू ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियो आउट दिया गया है, ऑडियो आउट होम थिएटर वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू, HDMI 1 HDMI 2। और कुछ बटन दिए गए हैं यहाँ पे, ये पावर बटन है ये बटन, और ये वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, दिस बटन इज डाउन वॉल्यूम अप, एंड ये चैनल इनपुट बटन है। और इनपुट मेथड अगर आप कोई पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करते हैं तो आप इसके थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये इसके बॉटम में आप देख सकते हैं कुछ सॉकेट दी गई है, कंपोनेंट इन है ये 1, 2, 3, 4, 5, और वीडियो इन ये है येलो वाला, और ये केबल एंटीना इन जो पहले यूज होता था। इस एलईडी टीवी को आप एज ए मॉनिटर यूज नहीं कर सकते बिकॉज VGA कनेक्टर नहीं है। ये पावर सॉकेट यहाँ पे कनेक्ट होगी इस सॉकेट में। इस एलईडी टीवी की स्पीकर बॉटम में दी गई है, दोनों साइड्स में जो बॉटम साइड्स है वहाँ पे एक एक स्पीकर है। फ्रेंड्स, मैं क्विकली एलईडी टीवी को स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ इसके सारे पिक्चर क्वालिटी एंड अदर फीचर्स को। इसके लिए मुझे पावर कनेक्टर को इस टीवी के थ्रू टीवी से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये पिन जो है वो टीवी एंड पे लगेगा। पावर केबल को कनेक्ट कर दिया, मैं इसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके रिमोट से मैं इसको ऑन करूँगा, ग्रीन वाला बटन। और देख सकते हैं, आपको पहले मैंने बताया था कि मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है, इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस दी गई है, जितने भी गुजराती, मराठी, उड़िया, तो मोस्ट ऑफ दी लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए अब इसको इंग्लिश को, हिंदी भी है,
इंग्लिश इंग्लिश बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो रखा है, मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ। होम यूज़ के लिए है ये, होम पे जाके सिलेक्ट है। ऑटो ट्यूनिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि मैं इसे पेन ड्राइव से चलाने वाला हूँ, स्किप कर देता हूँ। डेट वगैरह इज़ ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, आप यहाँ से डेट फिक्स कर सकते हैं। पेन ड्राइव मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है, देख सकते हैं कि यूएसबी पॉइंट है। मैंने होम बटन पे क्लिक किया है और ये कुछ पॉपअप आया है। मीडिया को मैं सिलेक्ट करूँगा, मीडिया में जाके आपको वीडियो चलाना पड़ेगा। ये सारे यूएसबी कंटेंट को रीड कर लेगा। आप देख सकते हैं इस होम बटन को प्रेस करना है, फिर मीडिया सेलेक्ट करके वीडियो सेलेक्ट करना है। अब मैं इस पे कंटेंट को 4K HD में जाता हूँ और कुछ कंटेंट को डिस्प्ले करता हूँ और तो आपको क्लैरिटी पता चलेगी इस LED TV की। इसकी साउंड क्वालिटी ये फॉरवर्ड हो रहा है, मैं एक दूसरा वीडियो आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छी क्लैरिटी है वीडियो की एंड ऑडियो क्वालिटी। फ्रेंड्स, इफ यू आर प्लानिंग टू बाई 24 इंच LED TV, देन प्रोबेबली यू हैव द बेस्ट ऑप्शन इन द मार्केट टू बाई दिस सोनी LED TV। ये कंपेरेटिवली सैमसंग एंड LG से थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है। मैं क्विकली आपको ये दिखाता हूँ इसके रिमोट फीचर्स को। मैं पॉज कर दे रहा हूँ, ये पॉज हो गया है। मैं क्विकली आपको रिमोट के बारे में समझा देता हूँ। ये पावर ऑन ऑफ बटन है और ये लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए है। फीचर्स नॉट एल विथ करंट इनपुट मोड, बेसिकली ये USB पेन ड्राइव जो आप चलाते रहेंगे तो आप इस लैंग्वेज को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये सोर्स है, मैं स्टॉप करता हूँ तब मैं आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली ये वीडियो क्विक वीडियो होगा और आप देख सकते हैं ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं रिटर्न कर रहा हूँ। ये सोर्स है, आप कभी HDMI यूज़ करते हो, DTH वगैरह कनेक्ट कर रहे हो तो HDMI को सिलेक्ट कर सकते हैं। HDMI 1, HDMI 2 वीडियो कंपोनेंट और ये TV है। 2, 3, 4 वगैरह बटन दिया गया है जो आप इससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कभी इनपुट करना हो कुछ डेट वगैरह तो आप इससे इनपुट कर सकते हैं और अदर जहाँ पे भी जिस इनपुट में भी आपको नंबर्स की ज़रूरत हो तो इसके थ्रू आप प्रेस कर सकते हैं। ये स्लिप है, स्लिप टाइमर ऑफ ऑन करके आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये अप डाउन लेफ्ट राइट, ये स्क्रॉल बटन है, ये ओके बटन है, ये रिटर्न बटन है, ये ऑप्शंस है। साउंड मोड, पिक्चर मोड वगैरह आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड, विविड, कस्टम, जो भी आप चाहे उस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिए। रिटर्न स्टिकर के कारण आपको विजिबिलिटी नहीं मिल रही होगी आखिर क्या सेलेक्ट हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। इसको ऑफ कर रहा हूँ एंड देन देखें यू विल हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर इन ऑफ सो पिक्चर मोड, साउंड मोड, इंटेलिजेंट पिक्चर प्लस, MPEG, नॉइज रिडक्शन। सो बेसिकली आप इस बहुत सारे मोड दिए गए हैं जो आप सेटिंग्स के थ्रू आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये होम बटन है, होम बटन में बेसिकली आपको फेवरेट्स, एप्लीकेशंस, मीडिया एंड सेटिंग्स दिखाई देगी जिसके थ्रू आप पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी को सेटिंग्स को मैंने सेलेक्ट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी
को आप बढ़ा सकते हैं, बैकलाइट, पिक्चर ब्राइटनेस, कलर कंट्रास्ट, शार्पनेस वगैरह। और इसमें आप साउंड क्वालिटी में आप जाइएगा तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं साउंड रिडक्शन वगैरह के लिए। ये बटन जो होती है वो वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन है, देख सकते हैं आप, वॉल्यूम अप एंड डाउन, ये चैनल अप एंड डाउन, प्रोग्राम अप एंड डाउन होता है। ये म्यूट बटन है, और ये प्ले हुआ, ये रिवाइंड, फॉरवर्ड, नेक्स्ट, बैक एंड दिस पॉज एंड स्टॉप बटन, ये आपके पेन ड्राइव के कंटेंट्स पे काम करेगा। मैं क्विकली एक वीडियो दिखा देता हूँ आपको, और उस वीडियो सेलेक्ट करना है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। ये 4K HD मैंने सेलेक्ट किया, मैं क्विकली एक दूसरा कोई वीडियो चला के दिखाता हूँ आपको। और ये बेसिकली इसके लिए मैं दिखाना चाह रहा था आपको, डेमोंस्ट्रेशन के लिए। ये मैं साउंड ऑफ कर देता हूँ, और ये देख सकते हैं आप, ये फॉरवर्ड बटन है, ये फॉरवर्ड 1 2 3, और इसी से आप फिर रिवाइंड कर सकते हैं 1 2 3। ये पॉज बटन है, आप देख सकते हैं पॉज हो गया वीडियो, इसको सेकेंड टाइम दबाइएगा प्ले हो जाएगा, पॉज करके अलग बटन है, अब नेक्स्ट करना चाहती हूँ नेक्स्ट हो जाएगा, और ये स्टॉप बटन है। तो फ्रेंड्स, मोस्टली मैंने सारे फीचर्स को कवर कर लिया इस LED TV के बारे में। इन केस अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो और कोई जानकारी चाहिए इस टीवी से रिलेटेड, तो काइंडली प्रोवाइड योर कमेंट्स ऑन दिस वीडियो, हम लोग क्विकली रिप्लाई प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो पे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको जानकारी मिली होगी इस LED TV के बारे में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।